दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को कानपुर में भी दोहराने की सोदे ने दी धमकी। नाबालिग छात्रा को लगातार सोदा लंबे समय से कर रहा था परेशान। नाबालिग छात्रा के परिजनों के रोके जाने पर सोदे ने श्रद्धा की तरह टुकड़े करने की दी धमकी। थाना नौबस्ता में दिनांक 16 अक्टूबर को मोहम्मद फैज नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में थाना नौबस्ता पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी नहीं है और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस दौरान उसने उक्त पीड़िता पर पुनः दबाव बनाना शुरू किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इसके संबंध में कल उनके पिता द्वारा थाना नौबस्ता पर एक तहरीर दी गई, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कल ही मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी थाना नौबस्ता द्वारा कर ली गई है और उनको उसमें रिमांड लेकर जेल भी भेज दिया गया है। पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और निष्पक्षतापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।